मेरा बेटा ये आया है अभी अभी शीन से ऑर्डर, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा सैनिटाइज करके और मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, बाद में इसको मैं ओपन करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैंने शीन से कुछ सामान ऑर्डर किया था, आज नहीं किया था, मतलब किए हुए भी तकरीबन 8 दिन हो गए, तो वो आज 8 दिन के बाद डिलीवर हुआ है। तो मैंने सोचा कि उसको मैं अनबॉक्स करती हूँ यहीं पे सामने और दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की हैं। अमूमन वैसे शीन का सामान जो है वो काफ़ी लेट आता है, जो भी मतलब आपका जो भी सामान होता है जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो वो तकरीबन 9 से 10 दिन तो लगते हैं उसको आने में। इस बार आगे 8 दिन में, इससे पहले जब मैंने ऑर्डर किया था अजलान की सालगिरह के टाइम पे तो उस वक्त तकरीबन 14 से 15 दिन लगे थे। तो उनका कुछ पता नहीं होता क्योंकि ये चीज़ें सब बाहर से आती हैं, तो उसको आने में और बहुत सारे प्रोसेस से ये गुजरता है, तो उसके बाद ये सब चीज़ें आती हैं और सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ सामान बाद में आ रहा हो तो कुछ पहले आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर चले मैं करती हूँ इसको अनबॉक्स। हाँ तो मैं सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि शीन से मैं कभी भी ऐसे ऑर्डर नहीं करती चीज़ें कि मुझे सामने से कुछ अच्छा लगा हो तो मैंने उसको ऑर्डर कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, नर्वस भी नहीं, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो वैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी पाकिस्तान में, यहाँ पर आके मैं फिर भी करने लगी हूँ क्योंकि शीन पे कस्टमर्स जो हैं वो अपनी रिव्यूज़ पोस्ट करते हैं, साथ में अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं जो भी उन्होंने चीज़ें मंगवाई होती हैं, तो आपको ज़्यादा पता चलता है कि वाकई में वो चीज़ वैसी है भी या पिक्चर में दिखती है या नहीं। तो दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बहुत अच्छी आती हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे वापसी करनी पड़े, रिटर्न करना पड़े। तो इसमें काफ़ी सारा सामान जो है वो अजलान का है, अजलान की क्योंकि ऐसे शू साइज़ जो है वो चेंज होता रहता है हर 2-3 महीने में, तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छी सी मैंने यहाँ पे ये जो होती है सैंडल्स ये मैंने ऑर्डर की है, इसमें डायनासोर बना हुआ है, मुझे इतनी प्यारी लगी थी ये, और मुझे ऐसा लगा था वहाँ पे साइज़ चार्ट जो था उसके हिसाब से मतलब ये हल्की सी उसको बड़ी है लेकिन ये पीछे का स्टेप है इसकी वजह से उसको आ रही है अभी, तो बहुत प्यारी मुझे लगी है ये। देखो एक मैंने ये ऑर्डर किए थे, एक मैंने इसके वाइट शूज़ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि वाइट कलर तो ऐसा है कि बहुत सारे कपड़ों पर सूट करता है, इसके जो अभी जो पहन रहा है वो उसका छोटा हो गया। ये लेते हैं लेसेस वाले, कितने प्यारे आए हैं शूज़। जान के लिए सैंडल्स ऑर्डर की थी, ये साइज थोड़ा सा अभी बड़ा लग रहा है मुझे इसको, लेकिन फिर भी ये स्टेप है पीछे तो ये आ जाएगा उसको। इतनी अच्छी क्वालिटी की है, मतलब बहुत सॉफ्ट और बहुत मतलब बच्चा इसमें कंफर्टेबल रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा बिल्कुल भी। ये देखिए इतने प्यारे इसके ये शूज़ हैं, चीन में इतने कोई प्यारे शूज़ की वैरायटी आई हुई थी कि बस मेरा दिल कर रहा था, 3-4 पे तो मेरा ऐसा दिल आ रहा था कि मेरा दिल कर रहा था मैं सारे मंगवा लूँ, लेकिन बस वही बात है ना कि अभी फर्स्ट टाइम वैसे मैंने ये ऑर्डर किए थे इस तरह के शूज़, तो मैंने कहा पहले मैं एक मंगा के देखती हूँ, उसके बाद जब उसका साइज़ चेंज होगा फिर मैं उसको दोबारा से ऑर्डर करूँगी। लेकिन आप ये देखें कलर इतना प्यारा है और बस बहुत अच्छे शूज़ हैं, बहुत प्यारे। एक मैंने ये अजलान के लिए ये लॉन्ग सॉक्स होते हैं वो ऑर्डर किए थे देखने के लिए कि उसकी वैरायटी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बहुत वाकई भी अच्छी है, वरना अगर मुझे पता होता ऐसी क्वालिटी है इसकी तो मैं और ऑर्डर करती, लेकिन मैंने फ़िलहाल एक ही किया इसको ऑर्डर, लेकिन बहुत अच्छा है। ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा मुझे इसका इंतज़ार था, और मैं नॉर्मली जाकर मैं लेती नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से अजलान ने मेरे सारे कैचर्स जो थे सब तोड़ दिए थे, वो अब हर वक्त मेरे सर में झांकता रहता है, तो मैंने ये कैचर्स ऑर्डर किए थे, मैंने निकाल के सर पे लगा लिया, तो बस अब मेरी जिंदगी में स्कूल में आई। ड्रेस ऑर्डर किया था और ये अजलान का एक ड्रेस और है, दिखाती हूँ मैं, इतने प्यारे कपड़े होते हैं ना शीन पे, मैं क्या बताऊँ आपको। ये शर्ट है अंदर की, इनर है,
और इसके साथ ये रहा जंप सूट। और कपड़ा इतना कोई सॉफ्ट है ना कि बच्चा इसमें बहुत सुकून से रहेगा, बहुत अच्छा है। ये इसका इनर है, येलो शर्ट है और ये भी इतना कोई प्यारा है, बहुत अच्छा है। दिखाती हूँ, मैंने ऑर्डर की थी लास्ट ईयर भी, मैंने की थी यहाँ से ऑर्डर। बड़ी अच्छी आती है, कंफर्टेबल होती हैं और मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती, तो बस इंसान ले ले और कुछ टाइम के बाद चेंज भी कर ले। तो ये बड़ा, ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। इस बार थोड़े से उनके पास डिज़ाइन थोड़े कम थे, ये वाला मैंने ऑर्डर किया। और लास्ट में ऑर्डर किए हैं कुछ पीजेस, उनके पास इतनी कोई अच्छी वैरायटी होती है पीजेस की, और प्राइस रेंज भी इसके नॉर्मल भी होते हैं, कुछ एक्सपेंसिव भी होते हैं। एक्सपेंसिव वाले की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़े से नॉर्मल बजट में इंसान को ले लेना चाहिए, तो ज़्यादा क्वान्टिटी में भी ले लेते हैं और वो फिर अगर आपको बाद में कुछ टाइम के बाद डिस्कार्ड करने हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं खोल के दिखाती हूँ, हीन की ये पैकिंग मुझे बहुत पसंद है। ये देखें, सॉफ्ट बिल्कुल इसका मटेरियल है, साथ में इसके वो भी आते हैं सारे सबके साथ, जो हैं आई कवर जो होते हैं, आई पैड जिसको बोलते हैं, तो वो भी आते हैं साथ में। तो एक ये ऑर्डर किया है, एक ये ऑर्डर किया है, इसमें स्ट्रॉबेरीज बनी हुई है। एक ये ऑर्डर किया है, इस पे काओ बनी हुई है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इसके साथ आई पैड भी आते हैं, आई कवर जो बोलते हैं उसको, तो ये भी आते हैं साथ में सबके। इस पे डिफरेंट मल्टी कलर्स की, मतलब ये अलग अलग बनी हुई है, जैसे यहाँ पे ग्रीन है, पर्पल है, पिंक है, तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। बस ये थी मेरी शीन की ऑनलाइन शॉपिंग, जो मैं अक्सर करती रहती हूँ और मुझे वाकई में बहुत पसंद है। शीन का ऐसा है कि अगर आपको कुछ मंगवाना भी ना हो ना, आप उनका अगर नॉर्मल पेज वगैरह आप खोल कर, उनकी ऐप खोल कर चेक करें, तो इतनी कोई प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, पार्टी सप्लाईज होती हैं, पार्टी आइटम्स जो होते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। और वहाँ पर इतनी कोई वैरायटी है, इतनी कोई वैरायटी है कि बस आपका दिल करता है कि आप अभी से सब चीज़ें लेकर रख लो आगे के किसी ओकेजन के लिए। तो खैर, ये थी शीन की शॉपिंग जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने अनबॉक्स की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।